तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कार्टोग्राफ टेबल का यूज कैसे करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल। तो गाइस, कार्टोग्राफी टेबल का यूज़ करने के लिए, तो गाइस कार्टोग्राफी के टेबल का करना सबसे पहले चाहिए कार्टोग्राफी टेबल। तो गाइस उसमें हमारे पास आते हैं दो ऑप्शंस। तो गाइस इसमें हमको रखना होता है हमारा मैप, एक साइड में क्रिएट कर लो। तो जैसे आप देख सकते हैं बंच के हमारे एक मैप। तो गाइस अगर हम इसको यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर एक पेपर रखेंगे, और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब थोड़ा हम ज़्यादा एंगल दे पा रहे हैं और इसकी लिमिट होती है 4। तो मैं देखते हैं सब में थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, ये तीसरा और ये लास्ट वाला। सो गाइस इसका यूज़ ये है कि जो बड़ी ट्रेजर मैप्स होते हैं, रिसेप होते हैं, इसमें हमको दिखता भी है हम कहाँ मूव कर रहे हैं, तो ये उसके लिए है। और हम इसे रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस जैसे कोई भी आपको लिखना हो, मैं भी लिख देता हूँ। ये गाइस लिख दिया हमने नाम, फिर हमको दिखाना है यहाँ पे, और ये बन चुका है हमारा मैप। हाँ सो गाइस ये, सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको आप अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो कमेंट डाउन बिलो। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।